टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए करंट एनर्जी लेकर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, साथ ही साथ उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी तरफ क्या कोई एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंजल गाइडेंस हम लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके बॉन्ड के लिए। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन है ए से एम। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में शुरू होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर वन। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर टू। सो इस तरीके से आपको आसानी हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा यही पाइल्स रखती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे क्या मेजर सोच रहे हैं आपकी तरफ, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, क्या चल रहा है करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर वन ए से एम। क्या कुछ मेजर एक्शन लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स, करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके दिमाग में। द एम्परर, ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर्स में, डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। मेजर अरकाना में आया है द एम्परर एंड डेथ। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर, फादर या भाई, किसी फादर फिगर के वजह से मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एंडिंग हो सकती है, स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, पेरेंट्स का इशू है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एटीट्यूड था, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ईगो इनका टूटा है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा इनको अगर घमंड था अपने ऊपर या अपने पैसों पर, या इनके लिए सब कुछ इन्हीं का चलना था इस रिलेशनशिप में, अथॉरिटी इनके हाथ में अगर थी, तो यहाँ पर इनको किसी तरह का चेंजेस इनके बिहेवियर में आपको दिखने वाला है आने वाले टाइम में। डेफिनेटली एक टफ साइकिल एंड हो रही है, एंडिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। परफेक्ट टाइमिंग, लक आपके साथ है। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं, डेथ क्यों आया है एंजल्स, किसके साथ क्या करना चाहते हैं, डेथ का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। हैंग्ड मैन, जिस सिचुएशन में हैंग्ड थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे, चाहे जो भी सिचुएशन, अगर आप मैरिड हैं आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या अगर सिंगल हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं, अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक थे, बंधे हुए थे, नहीं आ पा रहे थे आपके तरफ, तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी थी। यहाँ पे एंडिंग लग रही है मुझे। कहाँ स्टक थे, हैंग्ड मैन। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयरफ्री होके बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। ये देखिए यहाँ पे आया है बॉटम से चैरियट। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपकी तरफ। डेथ को क्लैरिफाई किया है मैंने, डेथ को क्लैरिफाई किया है हैंग्ड मैन एंड द फूल ने। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में अटके पड़े थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। करंट एनर्जी में देखते हैं क्या डिसीजन ले सकते हैं ये और किसकी तरफ बढ़ सकते हैं। गाइडेंस लेते हैं।
आज के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए ए से एम। प्राइड, डेफिनेटली घमंडी तो है कोई आपके रिलेशनशिप में, या तो ईगो किसी एक में बहुत ज़्यादा है। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। बैलेंस, सिचुएशन ठीक होने वाली है, बैलेंस होने वाला है सिचुएशन। एक और कार्ड लूँगी। डाउट, बॉटम की एनर्जी है ग्रोथ। आप दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप ग्रोथ हो, बात आगे बढ़े। बहुत स्टक रह लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आप भी चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। द पावर ऑफ लव से देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड, फाइल नंबर 1, रिलीज, वन मोर कार्ड, ट्रस्ट, ओके ये भी आ रहा है, पास्ट, ट्रस्ट, जॉय, बॉटम की एनर्जी है। मोनोलॉजी से दो कार्ड लेते हैं। ए से एम, पाइल नंबर 1, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। तो यहाँ पे पहला कार्ड है बैलेंस एंड प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। एंड दूसरा कार्ड है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपके पार्टनर रियूनियन चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, और यहाँ पे अगर आप दोनों में से किसी में ईगो था, किसी में एटीट्यूड था, तो काफ़ी हद तक आपने बैलेंस किया है। इवन आपके पार्टनर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आपके ऊपर पहले की तरह वो शक या बिना बात के झगड़ा या अब्यूसिव लैंग्वेज अगर उन्होंने आपके ऊपर यूज़ करा है, तो यहाँ पे जो भी डाउट्स क्रिएट किया है अब बैलेंस सिचुएशन में है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो रही है। पावर ऑफ लव से है रिलीज़, पास्ट एंड ट्रस्ट। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में ट्रस्ट इशूज़ रहे हैं। किसी ने भड़का दिया, लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, ब्रेकअप हो गया। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। शक आधा जड़ होता है रिलेशनशिप को ख़राब करने का। आपके लिए गाइडेंस है कि शक नहीं करना है, डाउट क्रिएट नहीं करना है। पास्ट में अगर आपसे या आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। पास्ट को पूरी तरह से, नेगेटिव मेमोरीज़ को रिलीज़ करिए, पॉजिटिव मेमोरीज़ को लेकर आगे बढ़िए और ट्रस्ट करिए। आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, फेथ की बहुत ज़रूरत है। इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा। अगेन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को बिल्कुल रिलीज़ करिए, हील करिए। अगर आपके लाइफ में आपने पास्ट में कुछ दर्द देखे हैं, कोई पास्ट मेमोरीज़ हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड, चाहे आपकी पर्सनली कोई बैड मेमोरीज़ हैं, उन सब को रिलीज़ कर दीजिए। हील करिए खुद को, अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाइए, मेडिटेशन करिए। ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। सो देखते हैं करंट एनर्जी। डेथ एंड द फूल विद द चैरियट। क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर्स? प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 ए से एम, करेंट एनर्जी, करेंट एनर्जी,
जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में शुरू होता है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। दिस इज माय लास्ट शफल। और कोई कार्ड आना चाहता है पाइल वन के लिए? करंट एनर्जी, न्यू बिगनिंग। इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है उनका, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, इंतज़ार कर रहे हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। ये बॉटम की एनर्जी बता रही है। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हमारे पास। पहला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। आप उनके लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, आपको विश की तरह देखते हैं, आपसे ही उनके लाइफ में कंप्लीशन है और आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का, एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ। सेवन ऑफ कप्स अगेन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कन्फ्यूजन इनके लाइफ में है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ना कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है। अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो मे बी इनकी शादी के लिए इनके लिए ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। दूसरा, अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ तो ये वहाँ खुश नहीं हैं, ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं इनको बाहर कैसे आना है। डेफिनेटली चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है। मेजर अरकाना से आया द एम्परर और यहाँ से भी आया द एम्परर एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर अगर पेरेंट्स की वजह से आपसे दूर हैं तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया मेजर अरकाना देख के कि आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली होंगी, और यहाँ पे कार्ड्स भी आ गए। अपनी पावर में है जो भी फादर फिगर है, यहाँ लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये खुद फादर फिगर हैं या मदर फिगर हैं, अगर ये खुद मैरिड हैं किसी और के साथ आपके पार्टनर, तो ये वहाँ पे भी खुश नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो यहाँ पे लॉजिकली वो डिसीजन लेना चाहते हैं। एरीज एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, एरीज लियो सेजिटेरियस नाइट ऑफ वैंड्स। पैशन है आपके लिए, आपके लाइफ में अक्सर आते जाते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, मूडी है एक तरीके से, जब मन किया बात कर लिया, जब मन नहीं किया ब्लॉक कर दिया। इन्हें अपने ऊपर बहुत एटीट्यूड है, इनका एटीट्यूड ही आधे प्रॉब्लम्स की जड़ है। इमोशनली बहुत अपसेट है, मे बी फादर मदर की वजह से, एक्सप्रेसिव नहीं है, हो सकता है आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं हमेशा ही, अगर अच्छे मूड में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बोल दिया, अदरवाइज़ बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बताना चाहते, सब छुपाते हैं, हाइडिंग नेचर है। कंप्लीशन चाहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कभी कभी इन्हें ये भावना हो जाती है कि क्या करूं, कैसे चुनूं, एक तरफ आप एक तरफ कोई इनका अपना ही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें किसी एक को चुनना होगा। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मे बी आप में से काफ़ी लोग का कास्ट डिफरेंस हो या रिलीजन डिफरेंट हो या ट्रेडिशन या कल्चर या स्टेटस डिफरेंस हो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं किसी भी लाइफ, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे ये सारी दिक्कतें प्लस एडिक्शन भी है किसी तरीके का, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी तरह के एडिक्शन में रहे हों, जिस वजह से ब्रेकअप सिचुएशन हुई हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ हो, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस भी है हमारे पास, सभी साइंस हैं,
आना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मिस करते हैं, आपको कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ इस समय पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर फैमिली बीच में आ रही थी या फादर मदर या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आ रहा था तो ये वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रही है। ये डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बॉटम की एनर्जी है। आप भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं और वो भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर 1, नंबर 10 डेस्टिनी। पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास डेस्टिनी का। नंबर 10 के बाद आया है नंबर 11। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को 10-10 या 11-11 बहुत दिखता हो। कंप्लीशन है, सिंक्रोनिसिटी है 10-11। बात आगे बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ रहा है, बात आगे बढ़ेगी जो भी बात आपकी अटकी हुई है। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डेफिनेटली यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। 7 आवर्स, 7 डेज, सोल जर्नी है आप में से काफ़ी लोग। लक आपके साथ है यहाँ पे, डेफिनेटली आइसोलेशन में है। आपके पार्टनर टावर मोमेंट लाने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर किसी तरह का ब्रेक थ्रू। मेजर अरकाना से डेथ का कार्ड आया और यहाँ से टावर का कार्ड आया। बैलेंस लाने के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है। किसी तरह का टावर मोमेंट यहाँ पे आने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं। डेथ को क्लैरिफाई, टावर को क्लैरिफाई करते हैं। डिसरप्शन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ओके। और ट्रुथ, टावर का कार्ड क्यों आया है? किसके साथ टावर मोमेंट हो सकता है? पावर में है इस टाइम जो कार्ड्स आए हैं। ओ, फैमिली से डर था, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। थर्ड पार्टी, फैमिली हो या थर्ड पार्टी किसी तरह का एडिक्शन हो या थर्ड पार्टी पैसे रुपए की प्रॉब्लम हो, जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, इंतज़ार कर रहे हैं, उसके साथ ख़त्म करना चाहते हैं सिचुएशन। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आप में से। चाहे आप मैरिड हो तो भी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दोनों मैरिड हैं तो भी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज बहुत हैं। थर्ड पार्टी ज़्यादातर फैमिली इशू है और उसके बाद कुछ लोगों के लिए पैसा है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी पावर में हैं, बैलेंस चाहते हैं और डेस्टिनी और यूनिवर्स आपके साथ है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। 7 आवर्स 7 डेज काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा। देखते हैं हमारे एंजल्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इफ़ यू बिलीव। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 डेज 7 आवर्स या 1 वीक हो सकता है, 7 वीक्स, लेकिन ज़्यादातर
आप वीक में पकड़िए, क्योंकि मैं डेली करंट एनर्जीज निकालती हूँ 7 आवर्स 7 डेज। पाइल नंबर 1 के लिए आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन पर। बिलीव करिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। सो ये है पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपके लाइफ में जो चल रहा है, अगर इससे रेजोनेट हुई हो, अगर आपको ये रीडिंग सही लगी हो, आपको लगता है कि ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन आपसे मैच करती है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 N से Z का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनकी तरफ से आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह मेजर अरकाना से हम देखेंगे क्या कुछ बड़ा सोच रहे हैं, क्या कुछ बड़ा एनर्जी शिफ्ट हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 N से Z। पहला कार्ड है द एम्प्रेस। The Hierophant and Strength. The Empress क्यों आया है? Tower. Oh. यहाँ टावर मोमेंट आने वाला है पाइल नंबर 2। करंट एनर्जी एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है, टावर, डेथ, हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस, ये चार कार्ड्स। मेन कार्ड है टावर। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, या पेरेंट्स का इशू हो, स्पेशली मदर फिगर का। यहाँ पे एंडिंग हो सकती है, टावर मोमेंट आ सकता है, ब्रेक थ्रू आ सकता है। आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी पावर में हैं इस टाइम, आपके साथ बैलेंस लाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, ये एंडिंग करने जा रहे हैं, कोई मेजर डिसीजन ये ले सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है, अगर आप दोनों मैरिड हैं ऑलरेडी एक दूसरे के साथ, तो किसी के वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, लेकिन यहाँ पे इनकी बुद्धि ठीक होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पावर में है, पॉजिटिव रहिए। आप लोग इस टाइम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत करिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। यहाँ पे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है किसी तरह का ब्रेक थ्रू लाने के लिए। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरह का कोर्ट केस या एक्शन मोड है इस टाइम, एक्शन मोड में है आपके पार्टनर। गाइडेंस लेते हैं पाइल 2 के लिए। फेलियर, डाउट, हेल्थ, फेलियर, डाउट, हेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, आप और आपके पार्टनर। यहाँ पे आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। Responsibility, trust, okay. Monology से भी दो cards ले लें। Pile 2 के लिए क्या guidance है?
न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून आने वाला है। काफ़ी लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट हो सकता है न्यू मून तक। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। पास्ट जो बीत गई सो बात गई, आपने अपने लाइफ में जो भी खोया है, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में एक्सपीरियंस बन के आई हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करिए। पहला कार्ड है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर से, तो उस चीज़ से वो सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी है ताकि आगे आपके लाइफ में ऐसी गलती ना हो। डाउट, अब आप डाउट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। काफ़ी आप रिलैक्स हैं, काफ़ी फेथ है आपको इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद को ग्रो किया है। हो सकता है पास्ट में डाउट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हों आप लोगों के रिलेशनशिप में। तीसरा है हेल्थ। आई विल ऑनर द फिज़िकल वेसल दैट इंश्योरेंस माई सोल। आपकी सोल को खुश रखिए, अपनी सोल को तकलीफ़ मत दीजिए। ऑब्वियसली जो लोग सोल जर्नी में होते हैं वो आत्मा से रोते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अवेकनिंग के बाद ये बात का ज्ञान हो जाता है कि आप किस लिए धरती पर जन्म लिए हैं और क्या आपका मिशन है, क्या आपका सोल पर्पस है। तो अपने हेल्थ को मजबूत रखिए, खुद को मजबूत रखिए, अभी आगे आपको बहुत काम करना है। जॉय, हैप्पी रहिए, अपनी सोल को हैप्पी रखिए, फ्री स्पिरिट रहिए, लाइफ को एज अ चैलेंज लीजिए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे फेस करिए हंसते खेलते। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरफ अपने थॉट प्रोसेस को लेकर जा रहे हैं। हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वे में जा रहा हो, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव की तरफ जा रहा हो। अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, बहुत जल्द न्यू मून आने वाला है। काफ़ी लोगों के लाइफ में न्यू स्टार्ट हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, रियूनियन हो सकता है न्यू मून तक। सो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है मूनोलॉजी से। देखते हैं करंट एनर्जी। एम्प्रेस, डेथ एंड टावर, करंट एनर्जी हमें क्या बताता है। पाइल नंबर टू, एन से जेड, दिस इज लार्ज शफल, थैंक यू। द फूल, ओके, कंप्लीशन चाहते हैं आप दोनों, बॉटम की एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे शादी करें, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन हो, आपका रियूनियन हो, वापस आए आपके लाइफ में। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, आप चाहते हैं वो आपका साथ दें और वो भी चाहते हैं कि वो आपका साथ दें, ये म्यूचुअल एनर्जी है। डेथ एंड फूल आ चुका है यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, ओके, इनके साथ मेरे व्यूवर्स तो यही चाहते हैं, सो बेस्ट है ये। जो भी होता है, कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, कुछ कर्मा होता है पास्ट लाइफ का जो बैलेंस करने के लिए लोग इस जन्म में आते हैं, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, सबकी लाइफ में। कुछ लोग आते हैं, बदला उदला ले लेते हैं अपना पूरा बैलेंस वैलेंस करके फिर निकल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कर्मा बैलेंस होने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में, और ये डेस्टाइंड है, इसके लिए ब्लेम नहीं करना। जो होता है हमारे या आपके मर्ज़ी से नहीं होता, सब लिखित है पहले से, वो सिर्फ अपने अपने टाइम पे होता रहता है। भगवान लोगों की बैलेंस शीट बहुत ज़ोरदार होती है।
ओके। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सेजिटेरियस कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एंड कर रहे हैं। आप में से कई लोग जिनकी भी एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हैं क्लियरली, ये मैं देख पा रही हूँ। ये रहे द हाई प्रिस्टेस, जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक थे, हैंग्ड थे, अटके हुए थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पे ये सिचुएशन ये ख़त्म करने वाले हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं, ये सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। मतलब कि जो मेजर अरकाना में आया टावर विद द एम्प्रेस, यहाँ पे आया है डेथ विद द हाई प्रिस्टेस। एग्जैक्टली, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। बहुत लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है, लेकिन आपके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, सामने से कॉल मैसेज ना करें, ठीक, बाकी आपकी मर्जी है। द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी पुराना आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है कुछ लोग फ्रेंड्स रहे हों बहुत टाइम से, या लवर्स रहे हों बहुत टाइम से, लेकिन रिलेशनशिप में बात आगे नहीं बढ़ी है, स्टक है सिचुएशन। हो सकता है आप भी किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, ये भी किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। हो सकता है आप दोनों सिंगल हैं और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, ट्रेडिशंस, कल्चर, एज डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। बोल्डली स्टेप लेने वाले हैं आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, फायरी नेचर हो सकता है, स्टेप लेके ही मानेंगे, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये कंप्लीशन चाहते हैं। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, ये कंप्लीशन चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें किसी भी सिचुएशन को ख़त्म करनी पड़े। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि आया है द फूल, केयरफ्री होके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है पाइल टू की। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल के आता है। N से Z, पाइल नंबर टू, नंबर नाइन, ट्वेंटी सेवन मार्च को काफ़ी लोगों को मैसेज रिसीव हो सकता है। नंबर नाइन, 2+7, 9, अगर इस मंथ में होगा तो 9 आवर्स या 27th को हो सकता है आपको कॉल मैसेज रिसीव हो, या फिर 9 आवर्स या 9 डेज मैक्सिमम डेफिनेटली रिसीव होगा। कॉल मैसेज का कार्ड भी आ चुका हमारे पास, 8 ऑफ वैंड्स, फेवरेट कार्ड। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से कॉल मैसेज। सारे चक्रा ही ब्लॉक टेन के टेंशन में, स्पेशली सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये दो कलर का यूज़ आपके पार्टनर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा उनके लाइफ में सिचुएशन इजी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आपको हाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं है इनके लाइफ में, इस समय बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, किसी तरह का गिल्ट है इन्हें, किसी तरह का पछतावा है, आपसे डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम में है। साथ ही साथ
स्टेप लेना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन है आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना। आप में से जो भी मैजिशियन के पावर में है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे इनको फील हो रही है। काफ़ी अवेयर हैं इस टाइम हर सिचुएशन से और आपके तरफ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सामने से आप लोग कॉल मैसेज मत करिएगा, उनके मैसेज का इंतज़ार करिए। सो ये है नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर टू के लिए। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल टू। परफेक्ट टाइमिंग पहला कार्ड है। लिसन टू योर इंट्यूशन, यू आर रेडी। अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल रेडी हैं। परफेक्ट टाइमिंग पे आपका रियूनियन होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करिए। ये है पाइल नंबर टू की करंट एनर्जी। अगर आने वाले टाइम में या अभी ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई हो, ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।